नमस्ते दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के सुंदर उत्सव पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे देखे कृष्ण से पहले ना कोई कृष्ण जैसा हुआ, ना ही कृष्ण के बाद कोई कृष्ण जैसा हुआ। पूरे विश्व के इतिहास में मुझे कृष्ण जैसी कोई चेतना देखने को नहीं मिली। कृष्ण तो अद्भुत हैं। कृष्ण से मानव जीवन की चेतना ने एक नया आयाम लिया, एक नया विस्तार लिया। धर्म को स्थापित कर, अगर आप देखें, धर्म को स्थापित कर कृष्ण ने हर मानव को आध्यात्म से जोड़ दिया। शायद ये इससे पहले कभी हुआ नहीं था। और बहुत ध्यान से देखें तो कृष्ण में हमें सभी रंग और सभी रूप देखने को मिलेंगे। वे शरारती बालक भी हैं, सर्वोच्च मित्र भी हैं, प्रेम की अनूठी अद्भुत परिकाष्ठा भी हैं। कृष्ण कुशल राजनीतिज्ञ तो हैं ही, उसके साथ साथ संगीत के सम्राट भी हैं। कृष्ण जीते पारिवारिक जीवन है, मगर आध्यात्मिक गुरु भी हैं कृष्ण। और इस सब के साथ साथ धर्म के संस्थापक भी हैं कृष्ण। तो अगर मैं रेंज देखूं कृष्ण की, तो वो लड्डू गोपाल से लेकर एक परमात्मा के अनूठे स्वरूप तक सभी रेंज है कृष्ण के भीतर। आप कृष्ण को किसी भी तरह से पूज सकते हैं। आप कृष्ण से किसी भी तरह से, या गोपी की तरह, राधा की तरह, मीरा की तरह, सुदामा की तरह, अर्जुन की तरह, यशोदा की तरह, किसी भी रूप में, किसी भी रिश्ते में आप कृष्ण से संबंधित हो सकते हैं। और इसके साथ साथ कृष्ण ने हमें सत्य को खोजने या सत्य को जानने के सभी मार्ग दे दिए। आप कर्म के मार्ग से सत्य को टटोलना चाहें, आप ध्यान के मार्ग से जाना चाहें, आप ज्ञान के मार्ग से सत्य को समझना चाहें, या आप भक्ति में डूबकर कृष्ण को पाना चाहें, कृष्ण ये सभी मार्ग हमें दे दिए। तो आज कृष्ण के इस अद्भुत जन्म दिवस पर ये मेरी कामना, ये मेरी प्रार्थना कि हम सबके भीतर कृष्ण तत्व का जन्म हो। धन्यवाद।